आज हम जल के बारे में जानेंगे बच्चों। क्या आप लोग जानते हैं जल ही जीवन है? जी हाँ बच्चों, आज हम जल और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। कोई भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता। सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, पेड़ पौधे भी पानी बिना जीवित नहीं रह सकते। पानी फसलों के बढ़ने के लिए जरूरी होता है। अगर पानी नहीं तो भोजन भी नहीं। हम बिना पानी के खाना नहीं पका सकते। हमें कपड़ा धोने, नहाने, बर्तन धोने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। हम बिना पानी के एक दिन भी नहीं गुजारा कर सकते। क्या आपको पता है हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? हम समुद्र का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो नमकीन होता है। क्या आपको पता है धरती पर मौजूद ज्यादातर पानी समुद्र का नमकीन या खारा पानी होता है? हम ताजा और मीठा जल ही इस्तेमाल करते हैं। हमें ताजा जल तालाब या झील से मिलता है। नदी भी मीठे जल का स्रोत है। बहुत से लोग नदी का जल कपड़ा धोने, नहाने और कृषि में भी उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं पानी का स्रोत भूमिगत जल भी है? आपने कुआं तो देखा ही होगा, उसमें पानी कहाँ से आता है? ये जमीन के अंदर से आता है, इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। ये भी मीठा जल होता है। नलकूप का उपयोग भी भूमिगत जल को निकालने में किया जाता है। वर्षा का जल भी ताजा पानी होता है, जिसे कई लोग जमा करके इस्तेमाल करते हैं। ये वर्षा का जल भूमि के अंदर जाता है और भूमिगत जल के रूप में जमा होता है। परंतु धरती का बहुत सा जल खारा या नमकीन समुद्र का जल होता है, जो हम उपयोग नहीं कर सकते। तह हमें मीठे जल का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बहुत से देशों में लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। इसलिए बच्चों, हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।